युवा दिलों की धड़कन, बहुत कम वक्त में म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी छाप छोड़ने वाले, जिनके गाने होते हैं थोड़े अलग अंदाज के और जिनके सामने आते ही लड़कियां हो या बच्चे, सबके दिलों की धड़कन रुक सी जाती है। वो नाम है दर्शन रावल का, जिन्होंने अपने म्यूजिक के सफर की कहानी शेयर की रिजियाना न्यूज के साथ। भाई जवान, युवा दिलों की धड़कन और लड़कियों का दिन और चैल चुराने वाले आज हमारे साथ मौजूद हैं। ज़्यादा सब्र नहीं करवाऊंगी मैं आपसे, आज हमारे साथ मौजूद है द वन एंड ओनली, वेरी टैलेंटेड, द सिंगर, द कंपोजर, द लिरिसिस्ट, दर्शन रावल। तो आज हम बात करते हैं दर्शन रावल के सफ़र की, किस तरीके से उन्होंने अपनी सफ़र की शुरुआत की और आज जिस मुकाम पर है उसको हासिल करने में कितनी जद्दोजहद और मेहनत लगी है। दर्शन, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आप अहमदाबाद एक क्यूट गुज्जू बॉय के नाम से जाने जाते हैं, आपने रॉ स्टार से स्टार्टिंग की थी, कैसी रही स्टार्टिंग अहमदाबाद से बॉम्बे की जर्नी? मैंने तो सोचा था कि मैं कभी मुंबई मैं खुद नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे डैड ने मुझे मना किया था, बोले शादी के बाद जाना, तो मैंने वो होप छोड़ दिया था। तो मैंने सोचा था अगर मुंबई सामने से मुझे बुलाती है तो मैं जाऊँगा, और ऐसा ही हुआ। आई वॉज सिलेक्टेड फॉर रॉ स्टार, और रॉ स्टार के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, लोगों ने मुझे पसंद किया। पहली मोहब्बत, मेरा गाना बहुत सुपर हिट हो गया रॉ स्टार में जो मैंने गाया था। हिमेश जी ने फिर बहुत सारे गाने मुझे बॉलीवुड के अंदर दिए, खींच मेरी फ़ोटो, प्रेम रतन धन पायो, और उस बात जर्नी हैज़ बीन वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे लोग मिले। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारी जर्नी में बहुत स्ट्रगल रही, ये रहा वो रहा, मैं कहता हूँ मैंने मेरी जर्नी बहुत इन्जॉय की है और बहुत अच्छे लोगों से मैंने मुलाकात की है इस जर्नी के दौरान, जिन्होंने मुझे बहुत मदद की है। सो उन लोगों की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। सो आई एम थैंकफुल टू एवरीबॉडी। दर्शन, अगर बात करें इंदौर की, तो शायद आप इंदौर सेकंड या थर्ड टाइम आ रहे हैं, कैसा रहा इंदौर के साथ, इंदौरीज के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा है? मुझे लगता है कि जो इंदौर के लोग हैं बहुत खूबसूरत है, और मैं यहाँ जब आता हूँ, मैं इसके पहले भी पंखेड़ आया था, एंड सोनी फैमिली इज़ माई फैमिली, और मुझे उनके लिए, मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ तो उनसे मिलता हूँ, उनके लिए आता हूँ, पंखेड़ा में आता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जीतू अंकल हैं जो इज़ लाइक माई फादर, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं उनके लिए यहाँ पर आता हूँ, और बहुत वो लोग मुझे अपॉर्चुनिटी देते हैं कि मैं इंदौर के हज़ारों लाखों लोगों से मुलाकात कर सकूँ, उनके लिए गा सकूँ। सो आई एम थैंकफुल टू जीतू अंकल, एंटायर सोनी फैमिली एंड द जेडी इवेंट्स, क्योंकि इतना खूबसूरत तरीके से पंखेड़ा मैनेज होता है। मैं अभी किसी को कह रहा था कि इतना ब्यूटीफुल इवेंट है कि ना ही सिर्फ इंदौर में बट पूरे इंडिया में पंखेड़ा के बोले जाते हैं, और एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट पंखेड़ा। सो आई एम ऑनर्ड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ पंखेड़ा। दर्शन, ऐसे क्यों होता है कि जब भी आप आते हैं तो लोगों की जो आपकी फ़ैन फॉलोइंग है, फीमेल फ़ैन फॉलोइंग का है या मैन फैन फॉलोइंग, तो हमने देखा कि बाहर 15,000 से 20,000 लोग लाइन लगा के खड़े हैं और अभी भी खड़े हैं और दोपहर से खड़े हुए हैं, कैसा लगता है जब फ़ैन का और दर्शकों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है? तो मैं ये कहूँगा कि मैं आज जो भी बना हूँ, और जितना लोग मुझे आज, मैं कहीं जाता हूँ तो मुझे सेलिब्रिटी कहा जाता है, युवा दिल की धड़कन कहा जाता है या स्टार कहा जाता है, तो मैं ये जो कुछ भी बना हूँ मैं उन लोगों की वजह से बना हूँ। मैं एक सिर्फ नॉर्मल सिंगर, एक छोटे शहर से सिंगर था, बट इन लोगों का प्यार इतना सारा मुझे मिला, तो मैं आज जो मुकाम पर पहुँचा हूँ इट इज़ जस्ट एंड जस्ट बिकॉज ऑफ देम। तो मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगा, थैंकफुल टू गॉड एज वेल कि मुझे इतने सारे लोगों का पूरे इंडिया से प्यार मिल रहा है। सो ऑल आई कैन से इज़ थैंक यू। दर्शन, अगर हम म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात करें, बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें, तो आप किसे सबसे ज़्यादा एक रोल मॉडल समझते हैं या जिनसे आप इंस्पायर होते हैं? मैं एज अ सिंगर, मैं जिनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ वो है किशोर कुमार। मुझे लगता है कि ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर्स वी हैव, और म्यूज़िकली तो जितने आजकल जितने कंपोजर्स हैं मैं उनको सुन सुन के बड़ा हुआ हूँ, तो सारे मेरे इंस्पिरेशन हैं। एवरीबॉडी, जितने फिलहाल अभी जितने म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, हिमेश रेशम या सचिन जिगर, विशाल शेखर, मिथुन यार, रहमान, अमित त्रिवेदी, तो मैं इन सबको सुन सुन के, मीत ददर, सबको सुन सुन के बड़ा हुआ हूँ। सो एवरीबॉडी इज़ माई इंस्पिरेशन। जी दर्शन, अभी सबसे ज़्यादा ब्लॉकबस्टर हिट सॉन्ग जो रहा है नवरात्रि स्पेशल, चौगाड़ा थारा और कमरिया, इस सॉन्ग का अभी नवरात्रि आई है, पिक्चर रिलीज़ भी नहीं हुई है और उसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स, तो जब सॉन्ग रिलीज होने के पहले इतना अच्छा रिस्पांस मिलता है तो कैसी फीलिंग आती है? बहुत अनएक्सपेक्टेड था, हमने सोचा नहीं था कि इतना सारा प्यार मिलेगा। जैसे छोगाड़ा हार्डकोर गुजराती वर्ड है, पर पूरे इंडिया में लोगों, अब आप अगर दिल्ली में जा रहा हूं तो दिल्ली में लोग छोगाड़ा तारा गा रहे हैं, कमरिया गा रहे हैं। सो आई एम हैप्पी कि लैंग्वेज बैरियर नहीं रहा और ये गाना इतना पॉपुलर हो गया है कि जो इंडिया में तो हिट हो ही गया है, इंडिया वालों का गाना है तो है, पर जो लोग इंडिया के बाहर हैं तो ये गाना स्पेन, US में, दुबई में, हर जगह प्ले हो रहा है। तो इट्स अ बिग थिंग फॉर एवरी इंडियन की द सॉन्ग हैज़ बिकम सो बिग, हर जगह ये गाना प्ले हो रहा है। जी
आगे क्या आप अपने फ्यूचर में किसके साथ काम करना पसंद करेंगे, अगर म्यूजिक कंपोजर और डायरेक्टर्स की बात करें तो? मैं, जैसे कि मैंने कहा, मैं सबका फैन हूँ और सबको मैं सुन के बढ़ाऊँ, तो आई वुड लाइक टू वर्क विद एवरीबॉडी। हमारे दर्शकों के लिए अगर आप कोई दो लाइन गुनगुना दें दर्शन। छो गाड़ा तारा ओरे छबीला तारा ओरे रंगीला तारा रंग बेरू जुए तारी वाट रे हा। छो गाड़ा तारा ओरे छबीला तारा ओरे रंगीला तारा रंग बेरू जुए तारी वाट रे। तो भाई ये थे दर्शन रावल, अपने रंगीले अंदाज में इस बार आए हैं इंदौरियों का दिल जीतने के लिए। देखना ये है कि इंदौर की फीमेल फैन फॉलोइंग या फैन फॉलोइंग किस तरीके से दर्शन के गानों पर थिरकती है। कैमरामैन प्रदीप मसीह के साथ काजल चौकसे, डिजियाना न्यूज़ इंदौर।